जो कि सब तो वड्डा लोकतंत्र भारत देश है वो मनुखी अधिकारों की खास करके सिखा दे मनुखी अधिकारों की उलंघना जी बहुत वड्डे पद्धर से हो रही है और जो पिछले समय संगत ने अपन भावनावान लिखती रूप में प्रगट की ने कि 26 लाख के प्रोफार्मे जो संगत ने साइन करके दिए हुए हैं कि 30-30 साल तो बंद जेलों में बंदी सिंह ने उन्हों की रिहाई होनी चाहिए है और गवर्नर पंजाब ने समा दिता है कि जो 26 लाख प्रोफार्मे ने गवर्नर के पास भेजे जा और पिछले लंबे समय तो भाई बलवंत सिंह जी राजोवाणा जो कि तकरीबन 17 साल तो फांसी की चक्की में बंद है 8x8 फुट की वो चक्की है और पिछले 11 साल तो उन्होंने फैसले की जी पटीशन है वह भी केंद्र सरकार के कोल पेंडिंग पई हुई है वह फैसला ना किया जाना जबकि राजीव गांधी के कातल छुट चुके हैं बिलकिस बानो के परिवार की हत्या करने वाले छुट चुके हैं पर यह बंदी सिंह जिन्होंने अपने हकों की प्राप्ति वास्ते धर्म युद्ध करदिया होया जो जेलों के गए ने उन्हों की बंद खलासी ना करना यह भारत सरकार के मत्थे ते लोकतंत्र के उत्ते बहुत वड्डा एक कलंक है और अज गवर्नर पंजाब ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को शाम का समा दिता और मानयोग प्रधान साहब अहुदेदार साहबान अज एक वफद लैके 26 लाख प्रोफार्मे लैके गवर्नर पंजाब को सौंपने वास्ते जा रहे हैं और गुरु हरगोबिंद साहब माह चरणों के पंजी छोटदाते चरणों में ही अरदास की गई है कि सतगुरु जी उन्होंने महान योध्या की पंजी सिंघा की कृपा करके बंद खलासी करवाओ ता कि पंथ में विचर के परिवार में रह के अपने जड़ा बचा हुआ जीवन है वह सुख शांति चढ़ती कला के नाल बतीत कर सकन। वाहेगुरु जी का खालसा।